हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है बेला की तरफ से। तो बेला के नए सॉन्ग स्कर्ट सिटी का पोस्टर उन्होंने रिलीज कर दिया है। साथ ही इसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ था द फर्स्ट बैंगर ऑफ 2022 स्कर्ट सिटी स्टे ट्यून। तो यहाँ पर ये सॉन्ग हमको जल्दी देखने के लिए मिलने वाला है। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है दानव की तरफ से। तो दानव ने भी उनके नए सॉन्ग का प्रीमियर सेट कर दिया है, जो कि हमको आज देखने के लिए मिलने वाला है। अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है डीनो जेम्स की तरफ से। तो डीनो जेम्स ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज डाली हुई थी। एक उन्होंने लिखा हुआ था आकाश कहाँ है गॉड जीरो चिल। साथ ही उन्होंने एक और स्टोरी डाली हुई थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था स्टूडियो में लॉक है तभी हर जगह है चर्चा। तो शायद से इनका भी जल्दी कुछ हमको देखने के लिए मिलने वाला है। अगली जो न्यूज है वो आ रही है एमसी कोड की तरफ से। कल बर्थडे था तो उनको हैप्पी बर्थडे। साथ ही कुछ रैपर्स ने इनको विश किया हुआ है। इनको रेवी जी ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई थी जिसपे उन्होंने लिखा हुआ था दिस ईयर गॉट अ बी बेटर हैप्पी बर्थडे टू वन ऑफ द पायनियर एंड फाउंडर ऑफ दिस दिल्ली हिप हॉप। साथ ही जो यंगस्टर हिप हॉप है उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई थी। अगली जो न्यूज है वो आ रही है विजय डीके की तरफ से। तो विजय डीके का अभी सॉन्ग रिलीज हुआ था, उस पर 1 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं एक महीने में ही। तो अगली जो न्यूज वो आ रही है 47 की तरफ से। तो 47 ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई थी जिसपे कि उन्होंने रागा को मेंशन करते हुए लिखा हुआ था तू है कौन, और इसी को रागा ने शेयर करते हुए लिखा हुआ था तू कौन है। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो अगली जो न्यूज है वो आ रही है रफ्तार की तरफ से। तो अभी आपको पता ही होगा कि बादशाह ने एक स्टोरी डाली हुई थी, इसके बाद एमीवे ने एक ट्वीट किया हुआ था, और भी काफी सारे रैपर्स ने लिखा हुआ था बिगेस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। साथ ही जो हरजस है उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई थी जिसपे उन्होंने लिखा हुआ था बिगेस्ट आर्टिस्ट गॉड लिखा हुआ था। तो इसके बाद रफ्तार को एक भाई ने मैसेज किया हुआ था जिसपे की लिखा हुआ था रफ्तार इज द बिगेस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। इसके बाद रफ्तार ने मैसेज किया हुआ था जिसपे की लिखा हुआ था अरे जिंदा है अभी रहमान सर और काफी लोग, ढंग से कीबोर्ड भी नहीं बजा सकता, इनके आगे तो कांट क्लेम दिस, मोस्ट लव्ड में आ सकता हूँ। तो इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली जो न्यूज है वो आ रही है हेलेक की तरफ से। तो हेलेक ने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील शेयर की हुई थी, आप देख सकते हो, जिसपे की शायद पिंकी वगैरह ऐसा कुछ लिखा हुआ था। आप देख सकते हो हेलेक ने इसको शेयर करते हुए हंसने के इमोजी डाले हुए हैं। अगली जो न्यूज है वो आ रही है एमसी स्टैन की तरफ से। तो जिन्होंने एमसी स्टैन की एल्बम का जो कवर आर्ट बनाया हुआ था उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर मोशन पोस्टर, आप कह सकते हो, आप खुद देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।